तो ये है अपना टैंक बैग गार्डियंस गियर का। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। ये नॉन मैग्नेटिक है, इसका ये बेस है, इसका जो तो स्ट्रैप है इसको हम ये साइड में लेके दूसरे साइड में निकालेंगे। निकाल के ये जो लॉक है यहाँ पे लॉक करेंगे। ये हो गया। और इसका जो ये स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप लेके यहाँ पे टाई करके, ये रिंग में डाल के टाई करके यहाँ पे लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे, और दूसरा साइड भी सेम, यहाँ पे लाके यहाँ पे टाई करके रिंग पे यहाँ पे लॉक कर देंगे और फाइनल टाइट कर देंगे। तो ये बेस हिलेगा नहीं, तो ये और ये इजी होगा। टैंक अपना टैंक कैप जो है रिफिल के लिए इजी होगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको बैग लगा। तो अभी हम यहाँ पे बैग रख दिए, जो यहाँ पे लॉक है वैसे कुछ हम लॉक कर देंगे। तो देखिए अभी हो गया ये लॉक, यहाँ पे लॉक है और यहाँ पे भी एक लॉक, और यहाँ पे और यहाँ पे पूरा स्टेडी। अगर आप चाहिए रिफिलिंग के लिए अगर चाहिए तो ये लॉक ओपन कीजिए और ये लॉक ओपन कीजिए, आप रिफिल कर सकते हैं। देखिए ये इसके नीचे जो लेदर है, ये आपका टैंक मतलब स्क्रैच नहीं करेगा। मैं फिर भी मैंने, आप अगर चाहिए तो एक टॉवल डाल सकते हैं इसके अंदर, ये भी फैब्रिक अच्छा है। अगर आपको मतलब किधर जा रहे हो गाड़ी छोड़ के बाहर, तो ये यहाँ पे स्ट्रैप दिया गया है, इसको निकाल के आप यहाँ पे लॉक करके, यहाँ पे जो लॉक दिया गया है ये उसको ओपन करके, इसको लॉक करके आप जिसको मतलब बैग की तरह यूज़ कर सकते हो। और ये मेरा है 22 लीटर्स का, अगर आप यहाँ पे एक्सपैंड करोगे ये हो जाएगा 28 लीटर्स का हो जाएगा ये। तो ये था कुछ इंस्टॉलेशन।